हो गया। ठीक है, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अंधविश्वास से आप लोग अलग हट के सोचो। आप मनुष्य हैं, हम आपको केवल समझाने और जगाने की बात कहते हैं, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। ले रोके, बाकी एक काम करो, जगह जगह यहीं दो, अगल बगल यहाँ लिए रहो, ए उसी में रखो यार, वरना बंदर झपट्टा मारेगा। आओ बच्चे, तुम लोग आओ एक लाइन में आते रहो। अरे आइए इधर आइए, अपने हाथ से बिस्कुट दीजिए। हाँ इनको दे दीजिए, बनाएंगे। ए लड़के साइकिल खड़े करके इधर आ, माँ खड़े हवाई जहाज पर, उसी लाइन में आ जा। बस आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो बेटा, आगे बच्चे बढ़ते रहो। ए आशीष, ये क्या नाम बाप, इनको बहन जी को दे दो ये चने, तुम थोड़ा थोड़ा फैला दो, यहाँ से वहाँ तक जाओ थोड़ा थोड़ा डालो। जैसे हमारे जो ज्योतिष लोग आते हैं टीवी का सेंटर, हर काम सेंटर में होता है। मनोज भाई जल्दी आ गए, ग्रह की बात करते हैं, इससे बहुत ग्रह उतारने की कोई उपाय है पंडित जी, हमें बताओ। मैं भी पंडित हूँ, केवल ज्योतिष केवल बकाओ मत। गाय को हटो जाओ, गाय को हरा चारा खिलाओ। अब पूरे शहर दिल्ली बम्बई कलकत्ता, मैं ये कहना चाहता हूँ आज तक किसी पंडित ने किसी बाबा ने किसी ज्योतिष ने क्या ये बात कहा कि अगर तेरे मोहल्ले में सड़क के किनारे कहीं गाय पड़ी हो, उसका बेटा पड़ा हो, कुत्ता पड़ा हो, कीड़े पड़े हों, उसकी सेवा कर। तो अकेले मत कर, चार आदमी से जाओ करो। जैसे हमारे रोहित साहू, आशीष, मनीष और लौके, क्या कौन कौन थे नाम बोलो, बबलू है, बबलू और राजेव, हाँ सबके नाम बोलो, दिनेश हाँ और कार्तिके हाँ, बहुत लड़के हैं, कितने सारे लड़के हमसे प्रेरणा ले करके। एक गाय पड़ी थी बीमार, बड़ा पैसा लगाया, बड़ी मेहनत इन लोगों ने किया, कोई घायल जानवर पड़ा हो। हम आपसे जानना चाहते हैं पंडित जी, ये बताओ आपके अगर कीड़े पड़े हों, तड़प रहे हों, हम आपसे कहें कि आप रसगुल्ला खाओगे तो नहीं खाओगे, उस समय डंडा फेंक के हमें मार दोगे कि हमारी जान जा रही है, तुमको रसगुल्ले की पड़ी है, तो पंडित जी लोगों को घास खिलाना और बंदर को गाय को रोटी खिलाना ये कहना शुरू करो, बंद करो नाटक। गाय को रोटी खिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाने का मतलब आप हाथी को इलायची खिलाते हैं। आप अंधे हैं, आपके बाप के पास ज्ञान नहीं है। लोगों को बताइए कि वो पैसे एक डिब्बे में रखो, घायल कुत्ता गधा बंदर सुअर जो तकलीफ में है, मनुष्य बच्चा इंसान कोई बूढ़ा कोई भिखारी तड़प रहा हो, यहाँ पागल सड़क सड़कों में घूमते हैं, उनके कीड़े पड़ते हैं, मैंने वो भी वीडियो बना के डाली है, अब फिर भी टीवी पर औरतें नाच रही हैं। अच्छा वो भजन गा रहे हैं वो मैया कान्हा और नाक से कान्हा, अरे क्या बोले, मुँह से आग निकलती है तेरे लिए कमीने कुत्ते, या महिलाओं से कहे महिला जा जाके वहाँ नाच, जहाँ पर कीड़े पड़े हों, जिसके इंसान हो या जानवर हो, हाँ तेरा घाटा हो जाएगा, मेरा घाटा क्यों नहीं होता है, पूरी दुनिया हमारी मदद कर रही है और मैं मना कर रहा हूँ, नहीं भैया पैसे थोड़े भेजो, भैया पैसे कम से कम दो, क्या करेगा बाबा पैसा देके। इसी तरीके से कोई हो वो माता पिता की सेवा करो, अरे मूर्ख ये बताओ कि माता पिता अगर लायक हैं, जो बहुओं को जो तेरी माँ तेरी पत्नी को अगर तकलीफ देती है उसकी सेवा मत करो, बल्कि उसको दो थप्पड़ मारो कि जो पराए घर की बेटी आई है ना इसको बेटी मान, जब तू उसको बेटी मानेगी तो वो अपनी माँ तुझे मानेगी। जब देखो माता पिता की सेवा करो, कौन माता पिता, सारे माता पिता एक जैसे हैं क्या, हर कोई श्याम साधु है क्या, तो सारे साधुओं की सेवा करो। यही इन्हीं बातों से जो जेल के अंदर साधु लोग बंद हैं, अरबों खरबों रुपए कमाते हैं हमारे अंधे सोच की वजह से, अंधा है समाज हमारा।
जो रियलिटी है, जो अपने लिए आप चाहो वही करो। तो पैसे इकट्ठा करो, जब ऐसा कोई जानवर मिले जैसे हमारे आशीषानंद और रोहित जी मिलकर उस गाय के लिए बड़ा काम किया, महंगी से महंगी दवा लाए, बोरा लाए, ये लाए वो लाए, फिर भी मर गई, हमने कहा बड़ा अच्छा हुआ। लावारिस जानवर का मर जाना अच्छा है, लेकिन तड़प के नहीं मरना चाहिए। तड़प के मर गए, मरेगा तो तुम्हारे मंदिर जाने से क्या फायदा। माता पिता की सेवा करो, अगर माता पिता उस योग्य हैं तब उनकी सेवा करो, अगर वो अयोग्य हैं, वो मांस खाते हैं, वो दारू पीते हैं, ऐसे पिताजी को दो थप्पड़ घसीट के मारो। नमक रोटी खाओ, ऐसे पिता को दो थप्पड़ घसीट के मारो। मांस खाता है वो राक्षस है, दारू पीता है वो राक्षस का बाप है। माँ जो है वो बहुओं को, बहू को तकलीफ देती है। रियलिटी पर आओ दुनिया वालों, देश सुधर जाएगा। आप लोग कानून कहाँ लेते हैं? कानून क्या है? कानून ये ऐसा बनना चाहिए कि जिस आदमी ने कुर्बानी दिया हो उसके बाद रिकॉर्ड हो, 60 साल बीत गए हों, उसको गद्दी पर बैठा। आप उसको नहीं बैठाते हैं। किसको बैठाते हैं? जो दो चार मर्डर करवाए, बोरों में नोट भाया, वो चुनाव जीतता है। बंद करो ये प्रणाली, अगर देश को सुधार लाना है तो। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता, जय बजरंगबली, जय मानवता।